सो गाइस, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE यूज़र्स के लिए आज मैं सब दोबारा से खुशखबरी लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सैमसंग गैलेक्सी S21 FE है। तो दोस्तों, वो खुशखबरी ये है कि S21 FE में हमको एक और नया अपडेट देखने को मिल चुका है, जो कि काफ़ी मज़े की बात है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सैमसंग जो है अपने अपडेट के साथ किल कर ही रहा है, सबको रेगुलर अपडेट प्रोवाइड करता है और अपडेट में हमेशा इंप्रूवमेंट ही हमको देखने को मिलते हैं। तो आज भी हम देखने वाले हैं कि कैसा आज का अपडेट रहता है, क्या क्या इसमें अपग्रेड होता है और कैसे कैसे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं अपने अपडेट की तरफ। अपडेट चेक करने के लिए सबसे पहले हमको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे ही हम जाएंगे, या तो अगर आपका नेट कनेक्टेड है तो यहीं पर आ जाएगा, नहीं तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप क्लिक करिए सॉफ्टवेयर अपडेट पर, और नेट कनेक्ट करने के बाद डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अपडेट आ जाएगा थोड़ा सा लोड होने के बाद। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड मैंने अभी पॉज कर रखा है, क्योंकि थोड़ा सा अपने आप पर डाउनलोड हो गया था। और यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है कि जो सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस है वो इम्प्रूव हो जाएगी साथ साथ में। ये जो अपडेट है ये इन चीज़ तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसमें जो डिवाइस की स्टेबिलिटी है वो भी हमें इम्प्रूव देखने को मिलेगी। साथ साथ में न्यू एंड एनहेंस फीचर्स देखने को हमें मिलने वाले हैं। कोई न्यू फीचर भी आ सकता है, फीचर्स को एनहेंस भी किया जा सकता है, और जो फर्दर इंप्रूवमेंट होंगे वो परफॉर्मेंस के रहने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। और यहाँ पे एक एडवाइस भी दी गई है कि अगर आप अपने डिवाइस से बेस्ट चाहते हैं तो अपने डिवाइस को रेगुलरली अपडेट करते रहें। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी पैच हमें 1 नवंबर का देखने को मिलेगा, और साइज़ है इसका 230 MB का। तो फटाफट से बैक जाके मैं चेक करता हूँ कि कौन से वर्जन में अभी चल रहा है। यहाँ पे हम जाएंगे अबाउट फ़ोन में जाएंगे, यहाँ पे नीचे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो 1 अक्टूबर का में चल रहा है अभी, और अपडेट करने के बाद सैमसंग का कहना है कि 1 नवंबर का हो जाएगा। तो फटाफट से काम करता हूँ, जो 239 MB का अपडेट है इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। तो अब दोस्तों, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद मैं आप सभी के सामने लेकर आऊँगा। सो गाइज, ये हमारा डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, जो कि फाइनली अपडेट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके वर्जन्स के बारे में, जो जैसा मेंशन किया गया था वैसे वर्जन्स हमें देखने को मिले हैं कि नहीं। हमें क्लिक करना होगा यहाँ पे अबाउट फोन पर, नीचे जाएंगे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे, नीचे स्लाइड करेंगे और देखेंगे कि एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 नवंबर का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसा कि मेंशन करा गया था। तो दोस्तों, बात करें क्या क्या इसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। सबसे पहले इम्प्रूवमेंट जो था मेरे को पहले ही नोटिस हुआ था, वो था थोड़ा सा मेरे को डिस्प्ले जो है थोड़ा सा शार्प लगने लगा है। साथ साथ में जो एनिमेशंस हैं वो अब थोड़ी सी स्मूथ कर दी गई है मेरे हिसाब से। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है आप भी ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। और साथ ही साथ में जो थोड़ा सा डिवाइस जो है वो काफ़ी मेरे को फास्ट फील होने लगा है, जैसे कि आप देख सकते हैं एनिमेशन जो है वो काफ़ी फास्ट है और स्मूथनेस भी थोड़ी अब मेरे को बेटर देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है इस अपडेट से रिलेटेड या कैसे भी, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर जैसे ही हम इसकी कोई मेरे को कोई बड़ा चेंज इसमें देखने को मिलता है तो मैं उसकी वीडियो लाने वाला हूँ। तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, जिससे मैं जैसे मैं वीडियो लाऊंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।